सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डी सी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। सो वापस आ गए हम अपनी व्लॉगिंग को लेकर थोड़े सीरियस होके। तो फिलहाल तो वीडियोस रेगुलर आने की कोशिश है और चालू करेंगे अब थोड़ा रोड नॉइस को इग्नोर करना। मुझे पता है थोड़ा तो नहीं, ज़्यादा ही आ रही होगी। एक्चुअली मैंने एयरपोर्ट से पहने हुए तो उसका माइक भी ज़्यादा ले लेता है आवाज़ को, तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। और मैं वही वॉक पे आया हुआ था तो मैंने बोला अब चालू कर लेते हैं अपनी व्लॉगिंग को वापस। और बहुत समय बाद क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था तो अब बनवा लिया है, चालू है, अब सब सही है। तो मेरे हिसाब से तो रेगुलर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं रेगुलर रहेंगे जब तक वीडियोस आएंगे नहीं तब तक रेगुलर नहीं रहेंगे। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको डालूंगा नहीं, पूरी शूट कर लूँगा, एडिट करके रख लूँगा, फिर इसको डालेंगे अपन जब दूसरी वीडियो शूट करेंगे तब उसको डालेंगे, फिर दूसरी वीडियो शूट करके एडिट करके उसको डाल देंगे। ऐसे करके अल्टरनेट डेज में डालेंगे, डेली तो हो नहीं पाएगी फिलहाल शुरू में। तो जैसे अपने अरुण पवार भाई करते हैं, उनका ऐसा है कि वो डेली शूट करते हैं, जब भी शूट करते हैं उनके व्लॉग्स पड़े रहते हैं उनके पास 10-15 तो एक्स्ट्रा, तो वो तो डाले तो रोज़ भी डाले तो उनको दिक्कत नहीं, 10 दिन आराम से बैठ सकते हैं, उनके पास बैकअप अच्छा है, हमारे पास बैकअप नहीं रहता है। और जैसे मैं बीच में बोला था i20 वाले व्लॉग्स को लेकर, i20 वाला व्लॉग आएगा ये वो, तो i20 वाला व्लॉग शूट हो गया था, एडिट भी हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने डाला नहीं था, इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला था। मेरे को पता है कि मैं वो व्लॉग डालता हूँ, उसके बाद मेरे कोई व्लॉग्स आते नहीं, एक आध आ जाते क्योंकि वो मेरे पास भी बने पड़े थे, तो वही इसी कारण से मैंने डाले नहीं, ये रीज़न है। उसके बाद अपन अब चालू करेंगे वापस से डेली व्लॉगिंग या जो भी, तो अब कंसिस्टेंट रहेंगे और मैं अपनी पूरी तरफ से मेहनत करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, अपनी पूरी मेहनत रहेगी। और इसी वीक मैं एक कहीं ट्रैवल करने वाला हूँ, मतलब कोई प्रॉपर ट्रैवल तो नहीं है, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, इसी चैनल में बोली है, इसी वीडियो भी है, मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। अब मेरे चैनल में ढूंढ सकते हो आप कि मैं कहाँ गया था और क्या बोला था और क्यों गया था, जो भी है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ वापस इसी वीक में, तो वहाँ भी दिखाएंगे आपको। बाकी ले चलते हैं भी आपको घर, वहाँ पे वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है क्योंकि अपना जिम ख़त्म हो चुका है, बाल थोड़े ख़राब हो रहे हैं, दाढ़ी भी बढ़ गई है, तो मैं मोटा लग रहा हूँ लेकिन मैं मोटा हुआ नहीं हूँ एक्चुअली में, तो अभी इसको भी सेट कराएंगे एक आध दिन में देखते हैं। तो अभी चलते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं शेयर करने को, करेंगे धीरे धीरे, चलो डालते चलो। सो मैंने आपको बोला था कि घर जाके वर्कआउट करेंगे, लेकिन मैंने वर्कआउट तो किया नहीं है अभी तक, अभी 11 बज गए ऑलमोस्ट, और अभी नहा के हम सीधा मंदिर जाएंगे। तो वैसे मैं वर्कआउट यहाँ करता हूँ, देख लो साइकिल, बड़ी साइकिल को उठा के वहाँ से ट्रेडमिल नीचे करके फिर ट्रेडमिल चला लेता हूँ, और वहाँ डम्बल पड़े हैं थोड़े बहुत, तो डम्बल हो जाता है यहाँ, चेस्ट इसकी क्या बोलते हैं बेंच पड़ी, तो बेंच से भी मार लेता हूँ, इंक्लाइन भी है, नॉर्मल बेंच भी है, तो दोनों हो जाता है। वैसे तो मेरा सब हो जाता है घर में ऑलमोस्ट देखा जाए तो, बॉडी मेंटेन करने के लिए, तो आज तो मैंने किया नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो में दिखा सकता हूँ करते हुए। मतलब अभी मैं मिक्सी मारता हूँ फिलहाल, क्योंकि किस जैसे आज हुआ कि मैं आज मारा नहीं, मतलब मैं एक्सरसाइज नहीं किया तो वेस्ट हो जाता है। फिर अगर आज मैं मान लो आज मेरा अगर मैं कल मैं अगर किया कल जैसे मैं किया था तो कल मैं चेस्ट मारा, आज मेरा बैक डे है तो फिर आज छूट के फिर कल बैक मारा, तो ये इसमें मुझे सही नहीं लगता, तो मैं इसीलिए अब मिक्स मार लेता हूँ पूरे दिन के भर का एक साथ, सब चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, एब्स, तो सब पड़ जाता है ऐसे, और वो भी नहीं लगता। तो एक ये हो जाता है कि ऐसे अब मैं आज नहीं किया तो एक कुछ ना कुछ रीज़न मिल जाता है कि अरे आज पानी गिरा हुआ तो नहीं करेंगे वर्कआउट या ऐसा, तो एक्सक्यूज़ मिल जाता है, तो वही है। वैसे भी मैं दिखाने वाला नहीं था, मतलब एक क्या ही दिखाएगा इंसान वर्कआउट करते हुए, तो अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। वैसे मैं कुछ इतना खास बॉडी बिल्डर या ट्रेनर हूँ नहीं, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, जितना मुझे पता है मैं उतना मार लेता हूँ, बस उतना ही है। और चलते हैं बाकी कंटिन्यू करते हैं। मैं भी चालू कर दूँ क्या? करना, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, देख गौतम बोल रहे करके मैं भी चालू कर रहा हूँ व्लॉगिंग, लटकर भाई मेरे को क्या, मेरे को भी भाई, तीनों में से कोई भी फेमस हो जाए भाई एक दूसरे को उठाएंगे ना, उसमें क्या है। क्या यही चीज सेम चीज सपोर्ट वाला ऐसे ही हो
ऐसे क्यों हो गया था तू? हाँ तो तू खुद अपना व्लॉग बना सकते है, हम तेरा व्लॉग नहीं बना सकते। तो भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे ऐसे ही होता है, कटारिया को ज्यादा देखते हैं। तो क्या बोलते हैं अपना, नहीं ऐसे ही बोलते ना कुछ, अपना नहीं हुई है ऐसा कुछ बोलते हैं। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? यहाँ से अभी इधर लाइट वो आ रहा है, काला हो जा रहा है। अरे दुकान में अच्छा नहीं आता है, यही तो दिखाते हैं लोग। अभी इधर से लाइट नहीं आ रही, फोन बनवा दिया क्या? तो गाइस इसको कीप सपोर्टिंग, अपना बता दो सब्सक्राइब। भाई मेरे को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरा यूट्यूब चैनल है तन्मय चंद नानी व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर देना। क्या करते हो भाई? क्या क्या करते हो भाई? व्लॉग्स बनाते हैं, व्लॉगिंग चैनल है। तो नहीं तो क्या व्लॉग बनाते हो? बताओ ना, व्लॉग 10 टाइप के होते हैं भाई। व्लॉग हम 10 टाइप के बनाएंगे। चलो इसको फिर फूड व्लॉगिंग के लिए भी सब्सक्राइब कर लो, करेगा ना? नहीं फूड व्लॉगिंग छोड़ के नहीं, बाकी सब नहीं, फिर ट्रैवल व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर। ट्रैवल के लिए कर दो। कर दो फिर, देखते हैं कितना ट्रैवल होता है इसका। हाँ डेली डेली दिखाऊंगा आपको, आज यहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ। ये ट्रैवल यहाँ से करता है हमारे, अपनी दुकान से अपने घर तक, अपनी घर से दुकान तक, कितना ट्रैवल है इसका डेली का। हाँ अभी मेरा कल एक नया व्लॉग आ जाएगा, उसको देखना, बहुत मज़ेदार है वो। साला मैं साल बर्बाद, एक आज पहला व्लॉग बना रहा हूँ और ये अपना व्लॉग प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ बनाओ बनाओ दूसरा व्लॉग डाल रहे हैं अपना और प्रमोट कर रहे हैं। इसके 95 है ना, अभी कितने हैं? 95 है, इसको फटाफट 1 मिलियन कर दो। इसके 4 दिन में 95 हुए ना। हाँ साला मेरे को कितने महीने लग गए यार 100 पहुँचाने में। एक्चुअली मैं 100 पे लाके छोड़ दिया था जब मैंने व्लॉगिंग बंद की, मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, अभी मेरे 165 हैं कुछ। संडे को ट्रैक रेस होगी, I20 वर्सेस I10। संडे को सुबह, अभी इसको सुबह बोलूंगा ना, सुबह इसकी 10 बजे होती है, 10:30 बजे दुकान खुलती है, सुबह 10 बजे उठता है। तो बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे इसकी ड्रैग रेस पे, कंटिन्यू करेंगे जो कि कभी नहीं होने वाली, मेरे को पता है। होगी होगी, अब भी सब संडे सुबह होगी, मंडे को अपलोड आएगा इसको। अब इससे एडिट कराएंगे वीडियो, इसको सिखाएं ना, अब इसी से एडिट कराएंगे थोड़ा बहुत। ये VN से करता है, मैं इनशॉट से करता हूँ, लेकिन VN ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, लेकिन फीचर्स VN में ज़्यादा है लेकिन इनशॉट में ईजी है। तो अब इसको देंगे और ये वीडियो एडिट करके देगा हमको। ये पहले ही विचार अपने वीडियो में ही रुक जाता है, तो मेरा भी करेगा तो फिर हो गया ना। सो बाकी बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देख लिया इसके ये बिजी आदमी के, हेलो मेरा बेड है जो कि साफ़ हो चुका है कुछ देर पहले, और ये महारानी को देखो, मार्शमेलो खा रही है ये, इसने पूरा पेपर फाड़ के और फहराया है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि साफ़ कर, तो ये साफ़ नहीं कर रही है और अपना मार्च में दुखा रही है। तो एक भी मैंने ही दिया है शायद। हाँ इसको किसी ने दिया है, ये कहीं से लेके आई है, उनको दे दी है, तो बस वही बात है, देख दिया है तो क्या जैसा जाता है क्या। अब मैं इसको बोल रहा हूँ साफ़ करने, तो ये साफ़ कर नहीं रही है। आपके भी घर में ऐसे भाई बहन हैं जो आपको ऐसे परेशान करते हैं और साफ़ सुथरा नहीं रहने देते हैं? ये तो बिल्कुल वैसी है, साफ़ सुथरा, इसको साफ़ सफाई पसंद नहीं है, अपने आप को आर्टिस्ट बोलती है और पूरा कचरा फैला देती है। तो इसको एक बस बहाना मिल गया आर्टिस्ट होने का, और उतना कुछ खास ड्राइंग बनाती भी नहीं है, बस नाम भर की बना लेती है कि दिखाने की हाँ बनाई हूँ, और पूरा दिन भर ये इसका बेड ख़राब रहता है। और एक ही बेड है, क्या बोलते हैं इसको, डबल बेड है। तो इसको अपने अपने साइड बोलती है, मेरा साइड ख़राब है ना, तो अपने साइड में सो जाए, तो मेरे को पूरा बेड साफ चाहिए रहता है, जैसे ये ख़राब कर देती है। तो आपके यहाँ भी ऐसे कोई है जो ऐसे ख़राब कर देते हैं बेड? हमारे यहाँ है एक ख़राब करने के लिए। और मेरे को आप लोग को एक सजेशन भी चाहिए था कि आप लोग मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हो कि नहीं, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन तब भी मैं चाहूँगा एक बार आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या देखना है, तो मैं समझ पाऊँगा कि मेरे व्यूअर्स को क्या देखना है। तो मैं आपको वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा, अपना पूरा बेस्ट दूंगा उस चीज़ में। और जैसे अभी मेरा फ़िलहाल ऐसा चल रहा है कि मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसी टाइप का, मतलब जो मैं करता हूँ वो दिखाता हूँ।
तो और मेरा मेनली इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल साइड में, की मॉडिफिकेशन वगैरह और रिव्यू वगैरह थोड़ा, तो मैं उस चीज़ को भी, उस कंटेंट को भी ला रहा हूँ, थोड़ा बहुत लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पूरे तरीके से नहीं आएगा, लेकिन एक समय आएगा कि मैं उसको भी पूरे तरीके से दिखाऊंगा और सब करूंगा। तो मैं आगे भी दोनों को मिक्स करूंगा, ऐसा नहीं कि फिर सीधा ऑटोमोबाइल में शिफ्ट हो जाऊंगा या जो भी, तो दोनों को मिक्स करके लाऊंगा। तो आपको बताना कि कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी है, तो उसको ऐसा फिर करेंगे। लेकिन मैंने जो पूछा है लोगों से ऐसे इधर बाहर, तो लोगों को पसंद तो आ रहा है मेरा कॉन्टेंट ऐसे इस साइड में कि दोनों मिक्स चीज़ें आ रही हैं, तो लोग इन्जॉय दोनों चीज़ें कर पा रहे हैं, तो वो लोगों को ठीक लगता है थोड़ा। और बाकी मैं भी इतना आपको सोशल नहीं दिखाता कि बाहर का ज़्यादा नहीं दिखाता या दोस्तों के साथ ज़्यादा नहीं दिखाता, तो वो एक अलग सीन बैठता है। तो वो भी मैंने अभी धीरे धीरे सब होगा। अब जैसे तन्मय मेरे साथ जुड़ा है, मतलब तन्मय भी आखिर ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आ गया है, ब्लॉगिंग में, तो अभी ये होगा कि मैं, हो सकता है कि तन्मय और मैं साथ में अक्सर ब्लॉग करते हुए मिलें या जो भी हो। वैसे तो वो मेरा भाई है, अपन मिलते हैं, वो तो ऑफ द कैमरा सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन ऑन कैमरा अब हम साथ में ब्लॉगिंग करेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी और वो सब अलग बैठेगा। तो अब वो बताओ कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, तो उस हिसाब से मैं भी क्लियर रहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को, मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा और वो समझाने की कोशिश करूँगा। और बाकी कॉन्टेंट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सब मेरे को आप कमेंट कर सकते हो फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूँगा, सब करूँगा और अपने आप को सुधारने की भी कोशिश करूँगा। और मैं ब्लॉगिंग में इसीलिए हूँ अभी तक क्योंकि मेरा शौक है, मेरा पैशन है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे वो तो सबको चाहिए भैया जो YouTube में सब सक्सेस के लिए और उसके लिए आते हैं प्रॉफिट के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई कभी इसके लिए नहीं आएगा, कोई इसके लिए नहीं आएगा, बल्कि ये गलत है कि सिर्फ उसी के लिए आ रहे हैं। मेरा देखो अभी तक मैंने जितना भी किया, मुझे डेढ़ दो साल, तीन दो साल हुए शायद, तो मेरे को अभी तक एक YouTube से एक रुपये नहीं आया है, लेकिन तब भी मैं अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ और आगे भी अपनी खुशी के लिए बनाते रहूँगा। अगर मेरे को उस चीज़ से खुशी मिलती है ना, नहीं मिलेगा ना, मैं तब भी बनाऊँगा क्योंकि मेरे को वो चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे वो फैसिनेट कर रही है। तो ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा अपना, इसको रखेंगे अपन। लेकिन आप बताओ कि आपको क्या देखना है। अब ये है कि मैं YouTube करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शौक है, आपको क्या देखना है वो बताओ, तो दोनों का काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा शौक पूरा होगा, आप लोग को जो देखना है आपको वो देखने को मिलेगा। तो आप वो सब बताइए, कमेंट करिए। और अभी मैं जाऊंगा जस्ट अभी कुछ काम से बाहर, कोई दवाई लेने, तो अभी चलते हैं वहाँ भी और निकलते हैं बस। चलो, सो अभी हो गए शाम के 5:30 और हम निकल गए हैं। मैंने बोला थोड़ी देर पहले था लेकिन धूप थी तो हम निकले नहीं थे। अभी हम जा रहे हैं, पहले पलाश को उठाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे अपना जो भी काम है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि मेरी गाड़ी है, जो एक्सेस, ये इसमें मैंने आपको पहले दिखाया था जब मैं अपना YouTube चालू किया था, तो मैंने इसमें अपना नाम लिखाया था चैनल का भी, DC Vlogs करके, तो वो अभी तक लिखा हुआ है, मैंने हटाया नहीं है उसको। तो मैंने बीच में सोचा था उसको हटाने की, पर हटाया नहीं था मैंने सोचा था हटा के और नया लिखवाऊंगा क्योंकि मुझे पता था कि मैं चालू तो वापस करूंगा ही, तो अभी तक लिखा हुआ है और वैसा का वैसा है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, रुक के दिखाता हूँ, रुको। ये है वो नाम जो मैं आपको बोला था, मैंने लिखाया था और इसको ऑलमोस्ट लिखाए हुए साल से 2 साल हो चुके हैं, ये अभी तक वैसा का वैसा लिखा हुआ है। अगर मैं आपको लिखाऊँ तो अच्छा खासा, एक्चुअली तब मुझे इतना आइडिया नहीं था ना फॉन्ट वगैरह का, क्योंकि मैं तब इतना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में था नहीं, अब मैं आ चुका था, हो गया सब मेरा, तब मुझे बहुत नॉलेज आ गई तो उसके फॉन्ट वॉन्ट के बारे में। तो अब इसको और अच्छे से लिखाएंगे कभी, तो इसको भी छोटी सी चीज़ है, इसको मॉडिफिकेशन थोड़ी बोलेंगे तो लिखाएंगे इसको कभी और, वैसे ये है। सो भी अपन काम हम सब निपटा के आ गए हैं, अगर और वो टाइम हो गया उसको खाना वाना खा के, फिर जो 2-3 काम थे वो कर लिए। अभी पी रहे हैं शेक, रात के बज रहे हैं 11 ऑलमोस्ट। मैं आपको बाहर का टाइम बता देता हूँ, तो अच्छी बात है, बाहर दिन का टाइमिंग अपडेट मिलते रहना चाहिए। अभी शेक पी रहा हूँ, ये आधा मैंने बनाया, आधा मेरी मम्मी ने, वैसे मैं जो बनाता हूँ वो बाहर अपन पीते हैं कैफे रियो टाइप को, वैसे मनाता हूँ तो वो थोड़ा हैवी साइड में हो जाता है, तो इसीलिए ये बॉर्नविटा है, तो सिंपल पी रहे हैं। और तो आपको मैं कल बना के दिखाऊंगा, तो आपको शेफ DC की क्लास मिलेंगी कल, तो और अपना
क्या बोलते हैं उसको, वर्कआउट की भी क्लासेस मिलेंगी कल। तो कल वाला व्लॉग जो अगला व्लॉग होगा बेसिकली वो होगा हमारा पूरा ट्रेनिंग। तो एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। ये छोटा मोटा व्लॉग बाहर का तो ज़्यादा था नहीं, तो ये सिर्फ इसीलिए था अपडेट के लिए। और बस मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।